देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, हालांकि इसमें कोई कनेक्शन है मुझे इतना पता है, बट देखते हैं क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ऐसा प्रूव करो, ठीक है। तो बच्चों सिचुएशन ये है कि आपके पास 3 नंबर है जो एक ही बना रहे हैं, तो आप इसे ऐसा सोचो सिंपली। देखो बिल्कुल देखो, इससे सिंपल तरीका नहीं है सोचने का कि आपके पास ए है, ठीक है, आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है, 3 नंबर है आपके पास और तीनों एपी में है। तो इतना तो हम जानते हैं ना कि 2b किसके इक्वल होगा, भाई 2b किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं 2b की बात करूं तो 2 आया, log आया, x आया, m आया, a कितना है, log आया, k आया, x आया, log आया, x आया, एन आया, ठीक है। ऐसे तो हम इसको यहां ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं ना। दूसरा क्या है, इनको हम प्लस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे प्लस, क्योंकि भाई लॉग का बेस सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले सबका लॉग का बेस सेम कर लेते हैं। अगर हम इसे अपॉन में ले जाएं तो एक्स यहां आ जाएगा बेस में, सिमिलरली यहां पर भी एक्स आपका बेस में आ जाएगा बच्चों। और आप यहां देखें, 2 गया, लॉग गया, एक्स बेस में आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो लॉग आया, बेस में एक्स चल रहा है, फिर लॉग आया, बेस में एक्स चल रहा है, अपॉन में क्या है, लॉग है, के है, एक्स है, लॉग है, एन है, अब यहां देखो ये क्या बन जाएगा। पर ये इनके बेस सेम है तो क्या इनको प्लस किया जा सकता है, पर अगर इनके बेस सेम है तो क्या इनको प्लस कर सकते हैं हम लोग, बताओ कर सकते हैं। तो बेस में एक्स आ जाएगा, एन और के आ जाएगा, ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग है, के है, एक्स है, लॉग है, देखो यहां तक आप ये बताओ क्या यहां तक की कैलकुलेशंस आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई जल्दी से बताओ। आपके साथ ने स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या यहां तक की कैलकुलेशन। देखो बच्चों एक चैप्टर में जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आपको पता लगता है यहां से। मैं लॉग में कुछ भी करता रहता हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ, आपको दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन जब मैं इस चैप्टर सीक्वेंस सीरीज की कोई भी चीज करता हूँ आपको डाउट आते हैं, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है दूसरे चैप्टर पे। लॉग में आप कंफर्टेबल हो, आप उसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, क्योंकि लॉग में बोली गई कोई भी बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। सोचने में दिक्कत हो सकती है कि क्या सोचे एग्जैक्टली, लेकिन मैं कुछ भी करता रहा हूँ, कुछ भी करता रहा हूँ, आपको लॉग समझ में आ जाता है। इसका एक ही कारण है, आपने लॉग करा बहुत है। सिमिलरली आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मान के चलो, मुझे मालूम है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन बेटा इस 24 घंटे में एक एक मिनट, एक एक सेकेंड भाई अपने सपनों को पूरा करने का एक ही तरीका है, आप अपनी एक एक सेकेंड को यूटिलाइज करो, सारे सपने पूरे होंगे, सिर्फ एक ही तरीका है। और ज्यादा दिन की भी बात नहीं है, ये मान लो कि अगर आपने 11 के चैप्टर कर लिए, अगर आपने 11 के, देखो हर चीज में, अभी कह रहे पूंजी कहने लॉग में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, लॉग में तो बहुत फॉर्मूले, फॉर्मूले लगभग सब में बराबर है, ट्रिगो में बहुत ज्यादा है, फॉर्मूले लगभग बराबर है, लॉग फॉर्मूले क्या इशू नहीं है। एक ही लॉजिक है कि आप लोगों ने जिस चैप्टर को बहुत ज्यादा टाइम दिया, मन से टाइम दिया, उस वक्त आप लोगों के पास टाइम था। यही बात मैं कह रहा हूँ, शोभित कह रहा है, कौन कह रहा है लॉग में फॉर्मूले नहीं है, लॉग में बहुत फॉर्मूले हैं एग्जैक्टली, और लॉग में तो बहुत टिपिकल फॉर्मूले हैं। तो बात यह है कि आप लोगों को 5-6 घंटे
7 घंटे 8 घंटे लगातार लगे रहो एपी के पीछे पड़े रहो, सारे क्वेश्चन पेन चला चला के करो, चला चला के करो। मैंने एक सेट्स का असाइनमेंट दिया था, किसी सीक्वेंस का असाइनमेंट दिया था, कराई नहीं किसी ने अभी तक। अब जब तुम करोगे नहीं तो मैं अगला असाइनमेंट नहीं देने वाला। भाई मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, मैं तो सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे काम करने से आप लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली। हाँ आप थोड़ा एक कदम आगे चलो, मैं 2 कदम आगे ले जाऊंगा। अब यहाँ देखो, ये मेरे पास एक चीज आ गई, और यहाँ से आगे मुझे थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है इसे सिंप्लीफाई करने में, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी। तो मैं इसे देखता हूँ, ये क्या है भाई, दोनों साइड का मैंने लॉग लिया, मैंने दोनों साइड का लॉग लिया और बेस एक्स पे लिया। आप देखिए बेस एक्स पे लिया, ठीक है। आप देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रूफ करना है और जो आपके पास है, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने है, ठीक है। कैसे, आप जरा इसे इधर ले आओ बच्चों, क्या आप इसे इसे इधर ला सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक भाई, ठीक है ये बात। अब जरा इसे देखना, इसे ये आइटम देखो, ये आइटम दिख रहा है आपको, ये तो चाहिए आपको, और इसे देखना जरा, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो क्या हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई बच्चों, भाई आप बताओ क्या हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है कि नहीं आ गई है। मैंने पहले ही कहा था इसमें कैलकुलेशन, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। दोपहर में बेटा नेट का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, तो देखो ये कनेक्शन है, इसमें मैंने बता दिया था, इसमें छोटी सी कनेक्शन है, इसमें तो जो आपका आ रहा है वही आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो कैलकुलेशन कैसे मैनेज करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कैलकुलेशन, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपकी कैलकुलेशन सही है, इसमें करेक्शन होनी थी, वो एग्जैक्टली क्या होनी है वो यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। लेकिन मेथड आपको पता चला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर्षित कह रहा है मेरा सही आया है, मेरी जानकारी में इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये तो और भी रिस्की काम लग रहा है। भाई आपका आंसर ये आना है, क्या आपका आंसर ये आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये ठीक है, नहीं मुझे पता है इसमें मिस्टेक है बेटा, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाई 3 नंबर दे रखे आपको, ठीक है, 3 नंबर मैं आपको लिख रहा हूँ, क्वेश्चन खुद करना इसको आगे। तो एक नंबर आपने एज्यूम करा ए माइनस डी, दूसरा एज्यूम करा ए, और तीसरा एज्यूम करा ए प्लस डी। आप देखो इन तीनों का सम, इन तीनों का सम 27 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इनके स्क्वायर ये करा था, ठीक है, इनके स्क्वायर आप देखो नंबर क्या आ गए, 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो अपने आप, हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा इसे आगे, भाई मैं नहीं करूंगा, किसी को कोई दिक्कत हो अभी पूछ लो कि जी मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन आसान है, मैं नहीं करूंगा इसे।
सर ब्लैक बैकग्राउंड मस्त लगता है, व्हाइट बेकार लगता है। ओके चलो तो अच्छी बात है, अब तो हम ब्लैक यूज कर ही रहे, अब तो ब्लैक ही चल रहा है आजकल हमारा। मेरा काम बढ़ जाता है बस, और कुछ नहीं है। चलो अच्छा डी निकाल दिया भाई, पिछले वाले का D5 आ रहा है अभी अभी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूंजी ने 5 निकाला, आर्य नाटी ने नंबर निकाल दिया इतनी देर में। देखिए 4 नंबर है एपी में भाई, एपी में 4 नंबर है, तो एपी के अगर हम नंबर एज्यूम करें बच्चों, तो A-3D, A-D, A+D, ये आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, और इन सबका सम जो है वो 50 है। आप देखो इन सबका सम करो भाई, अगर आप इन सबका सम करोगे और वो 50 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 25/2 आ गई, और ग्रेटेस्ट जो है वो 4 टाइम ऑफ लीस्ट है। पर या तो आप इसको ग्रेटेस्ट, इसको लीस्ट मान लो, इसको ग्रेटेस्ट मान लो, कहीं से भी, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट बोले तो A+3D इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट, बस A की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लोगे। क्या ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ सारे बच्चे। डी की वैल्यू 1 आ रही है, डी की वैल्यू 2.5 आ रही है, हो जाएगा। चलो ठीक है, मतलब आप लोगों को लग रहा है हो जाएगा, ठीक है मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर, से डन है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये क्वेश्चन हो चुका है, मैं नहीं करा रहा इसे, ये हो चुका, ये आता है तुम्हें, ये हो गया था लास्ट क्लास में। बताओ भाई, इसे सॉल्व करने पर डिग्री ऑफ एक्सपेंशन क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या आएगी, बताओ 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 बताओ। बैक साइड करना 2 बार, बैक साइड, ये लो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ये आसान क्वेश्चन है भाई, ये इसी का भाई है, 7 का ही भाई है, बिल्कुल हो जाएगा ये। अभी फिलहाल इसे देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है, 10। अरे मैं क्यों कैंसिल करूंगा, निकालो आप लोग, सोचो भाई डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए हमको। हर्षित मित्र मुझे लग रहा है कि तुम्हारा आंसर सही है, एक बार बताओ बच्चों, मैं आपके सामने करना मत, ओके करना मत, ओके नहीं कर दे, नहीं कर दे, मानो करो बेटा, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग गुड गोइंग, मानो सही जा रहे हो, सही जा रहे हो हर्षित, बढ़िया बेटा। एक दो एग्जांपल तो लिख लूं मैं,
हाँ जी भाई, मैं तो आप निकालो, मुझे आंसर दो, आप लोग आंसर दो। अच्छा जी, आ गया आंसर। चलो पहले एक बार देखो, अभी अभी मैं चेक करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता आंसर क्या है, मैं चेक करूंगा। बच्चों यहाँ देखो, आपके पास ये एक्सप्रेशन है, एक और एक्सप्रेशन है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। भाई हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सबके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर कब आएगी? जब इन सबकी मल्टीप्लाई होगी। एग्री और नॉट एग्री बताओ भाई, एक्स की सबसे बड़ी पावर कब आएगी? तो आप देखो, 1 + 6 + 11 + 101, ठीक है, ये एक एपी है, इस एपी का सम निकालना है। पहले एन तो निकालो, एन निकालो, एन भाई, एन निकालो, एन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके गुड। हर्षित तुम्हारा पहले भी गलत था बेटा, अब भी गलत है, दोनों आंसर गलत है तुम्हारे। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई, बस अब सम निकाल दो। सम का फॉर्मूला क्या होगा? n/2। अभी बता रहे बेटा, जिस जिसका सही है अभी बता रहे, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। यस अब देखो, सबसे पहले आंसर आया था, सबसे पहले आंसर आया था हमारा हर्षित मित्तल का 5252, गलत आंसर था बेटा। ठीक है, इसके बाद भानु ने कहा कॉमन डिफरेंस 5 है, हर्षित मित्तल ने भी यही कहा कॉमन डिफरेंस 5 है। पहला करेक्ट आंसर कोमल बुद्धि राजा आर्यन राठी, दूसरा नंबर, इसके बाद फिर मिशिता जैन, फिर कोमल बुद्धि राजा ने दोबारा अपना आंसर लिखा। मिशिता जैन ने बताया इनकी वैल्यू 20 बना रही है, आर्यन राठी ने बताया। ठीक है, 5-5 ही करेक्ट आंसर, हर्षित फिर गलत हो गया बेटा, फिर हर्षित मित्तल ने भी सही करा और लास्ट में पूंजी ने भी अपना आंसर सही कर लिया। बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको याद है वैसे तो। बहुत आसान क्या है, आपको क्या करना होता है, एन की जगह क्या पुट करना होता है, 2n-1 पुट कर तो आंसर आ जाए। क्या ये बात आपको याद है या नहीं याद? भाई ये बात आप लोगों को याद है, जिस टर्म के बारे में पूछे। तो जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट, ये कराया जा चुका। क्वेश्चन नंबर 3A, 3A की बात करते हैं। देखिए, एक एपी है, सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री और कॉमन डिफरेंस है 5। तो बेटा सबसे छोटा एंगल अगर 120 है तो इससे अगला एंगल कितना होगा? 125 ही होगा, इससे अगला एंगल कितना होगा? 130 ही होगा, और चलते जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि पॉलीगन में साइड कितनी है। तो बच्चों पॉलीगन के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। भाई पॉलीगन स्टार्ट होते हैं आपके ट्राइंगल से, सबसे तीन साइड से स्टार्ट होते हैं, फिर आपका क्वाड्रिलेटरल चलता है, फिर आपका पेंटागन आ जाता है, ठीक है, फिर हेक्सागन है, फिर और ऐसे ही चलते जा रहे हैं।
इसमें एएसपी कितनी होगी? एएसपी क्या होता है? अभी बताते हैं। देखो, अब इनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों? इनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई? ट्राइंगल का आपको पता है कितना होता है? 180। क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360। एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो बिल्कुल सही बताया। इसका तरीका क्या है कि एन माइनस टू इंटू 180 होता है। एग्जैक्टली, एन माइनस टू इंटू 180 होता है। तो देखो, तीन साइड है तो 3 माइनस 2 करेंगे, 1 आ जाएगा। चार साइड है तो 2 इंटू 180 हो जाएगा। आप ये देखो ना, चार साइड है तो 2 ट्राइंगल, 5 साइड है तो 3 ट्राइंगल। तो जितनी साइड होती है उसमें से 2 कम करो तो ट्राइंगल बन जाते हैं। तो अगर अगर बच्चों बात चल रही है, अगर बात चल रही है पॉलीगन की, तो पॉलीगन में भाई, पॉलीगन में जो एंगल सम होगा वो कितना होगा? एन माइनस टू इंटू 180। और अगर इस एपी की बात करें, इस एपी का एंगल सम कितना होगा बच्चों? इस एपी का एंगल सम कितना होगा? अच्छा भाई, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। लेट मी चेक, ये तो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं। हाँ, पजल मान लो, जो मर्जी करो। ठीक है, मतलब इतने एंगल लेने हैं कि उनका सम 180 का मल्टीपल आ जाए। हाँ, ऐसा सोच सकते हो, बट भाई डेसिमल भी तो हो सकते हैं कोमल, ऐसे मत सोचो। सर इसमें बताओ कितने ट्राइंगल हैं, वो भी इससे हो सकते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल भी हो सकता है। यहाँ देखो भाई, आप ये देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो एन माइनस टू इंटू 180 हो गया, और अगर हम एपी सम प्रॉपर्टी लगाए तो कितना होगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या अब आप इसे सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल पाओगे? निकालो जल्दी से। क्या आप इसे सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल पाओगे? ठीक है, निकाल लिया भाई। बच्चे बता रहे हैं एन की वैल्यू आ रही है 9 cos 60। ठीक है बच्चों, एन की वैल्यू 9 और 16 दोनों आ रही है। भानु, ओके, अभी एक बात सुनो बच्चों, जरा इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। भाई देखो, आपका पहला एंगल है 120, दूसरा एंगल हो गया 125, तीसरा एंगल हो गया 130, चौथा एंगल कितना हो जाएगा? 135। ओके भानु, 140 क्यों कंसीडर नहीं होगा ये बता रहे हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके आगे देखो, आप एक बार बताओ, कोई भी पॉलीगन होगा
फॉर्मूला बेटा दे रखा होता है परसेंटाइल का, वहां पर पूछना है। अभी काम की बात करो भाई, आप ये देखो किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में, कोई भी पॉलीगन हो, एंगल को तो 180 से कम ही रहना पड़ेगा ना, चाहे 1 डिग्री भी कम हो, अदरवाइज वो क्लोज ही नहीं होने का। तो इसीलिए जो आंसर बनेगा बच्चे वो 9 वाला बनेगा, ठीक है। ये एंगल्स होंगे हमारे, क्योंकि अगर आगे जाएंगे 16 वाले में तो 180 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है पॉलीगन को बनाने के लिए, तो 16 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। 16 एक्सेप्टेबल नहीं होगा और आंसर आपका 9 हो जाएगा। कुमलोर भी छोटी है बात है, डेसिमल वाली बात भी है उसके अंदर जो आप पूछ रहे हो ना। सेकंड क्वेश्चन देखो भी सेम है। अरे ये वर्ड देख रहे हो क्या है भी, ये यहाँ देखो एक वर्ड आया बहुत बढ़िया, ये वर्ड आ रहा है यहाँ पे देखो, वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सुनो बच्चों ध्यान से सुनो बात, क्या ये पॉलीगन है बताओ, क्या ये पॉलीगन माना जाएगा? भाई पहले वाला पॉलीगन है कि नहीं है ये बताओ, दूसरे वाला तो है क्लोज नहीं करा, क्लोज है वो क्लोज कर देते हैं उनका, अरे लो क्लोज कर देते हैं। हो गया क्लोज, ठीक है। देखो ये जो पॉलीगन है ना, ये है कॉन्वेक्स पॉलीगन और ये है कॉनकेव पॉलीगन, इनमें क्या झमेला होता है? आप देखो बच्चे ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं बेसिक चीज, इसका तरीका है, इसका टेक्निकल एक है इसमें मेथड, ये बताते हैं। देखो आप ट्रायंगल में कोई भी लाइन सेगमेंट बनाओ, कोई भी कहीं भी, वो ट्रायंगल को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ट्रायंगल से बाहर नहीं जाएगा, पूरी कोशिश करो आप। यहां देखो ये पॉलीगन से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया लाइन सेगमेंट, इसमें भी नहीं बाहर जाएगा, कैसे भी बना लो आप, पूरी कोशिश कर लो कि मैं इसे बाहर ले जाऊं, एक पॉइंट के लिए ले जाऊं चाहे बाहर, तो जिनमें बाहर नहीं जाता वो कॉन्वेक्स होते हैं और जिनमें बाहर चला जाता है वो कॉनकेव होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करो, देखो कॉन्वेक्स के अंदर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ आसान तरीका, आप कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट, एक मिनट भाई आप ये देखो, आपने कोई भी दो पॉइंट लिए, जैसे यहां लिए, इनको ज्वाइन करोगे ये बाहर निकल गया, आप ट्राइंगल में कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट आप ज्वाइन करो, वो बाहर नहीं निकलेगा। आप इस वाले में देखो, कॉन्वेक्स वाले में कोई भी दो पॉइंट लो, लाइन सेगमेंट का कोई यूज क्वेश्चन में है नहीं बेटा, लाइन सेगमेंट का यूज नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट इसको डिफाइन करता है, ठीक है भानु, ये इसकी डेफिनेशन को बताता है। कॉन्वेक्स में एंगल देख लो क्या आ रहा है आपका, रिफ्लेक्स एंगल आ जाते हैं, ये मतलब है इसका। क्राइटेरिया जॉइनिंग द लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नहीं, दो लाइन को कभी भी ज्वाइन करो, एवा होता कोई भी दो दो पॉइंट को ज्वाइन करो, उस लाइन की क्या नेचर है, कुछ भी नहीं है,
परपेंडिकुलर वगैरह तो दूसरी लाइन के रेस्पेक्ट में होती है। आप कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करो, कोई भी कर लो, कोई भी, वो अंदर ही रहेंगे। अगर हम घुमा के अंदर ला, अरे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है, घुमा के ऐसे घुमा के लाओगे तो ही जाएगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है, लाइन बोल तो स्ट्रेट लाइन ही होती है, कर्व को लेते ही नहीं। हर्षित कह रहा है मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात, क्या बात, बस बच्चा। हाँ भाई बताओ जल्दी से, पॉइंट क्लियर हुआ? तो जो कॉन्वेक्स होते हैं ना बच्चे, जो कॉन्वेक्स होते हैं, जो कॉनकेव होते हैं, उनमें एंगल रिफ्लेक्स हो जाता है। आप देखो यहाँ देख रहे हो एंगल 180 से बड़े आ जाते हैं, 180 से बड़े एंगल भी आ जाते हैं इनमें, कॉनकेव में 180 से बड़ा भी एंगल होता है। आप देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, पर ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसका एक एंगल रिफ्लेक्स है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर ये देख लो, ये प्रूव करना है। अरे अब कौन आया इतनी लेट ये? अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉनकेव कंडीशन से 16 आंसर हो जाते हैं, यस और उसमें एक दिक्कत हो जाती है भाई। अभी अभी एक डाउट आया, बहुत शानदार डाउट है, सुनो भाई, बेहतरीन डाउट आया है। अभी कोमल कह रहे हैं कि सर अगर ऊपर वाले ने कॉनकेव दिया होता तो 16 आंसर एक्सेप्टेबल होता। मेरे लाल एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना भाई ये वाली बात। आपने एक पॉलीगन बनाया जिसका एक एंगल है 120, अगला एंगल है 125, उससे अगला एंगल हो गया। आप 16 साइड्स की बात कर रहा हूँ कि 16 साइड्स क्यों नहीं हो सकती, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। फिर आ गया 130, फिर आएगा 135, फिर आएगा 140, फिर 145 आएगा, ठीक है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखते रहो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मैं जल्दी से बता दूं। आप रिलैक्स होकर सोचते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, बस आंसर की तरफ जल्दी मत भागो। ठीक है चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, ठीक है। अब ये सोचो बच्चों, क्या आप एक पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है। आपने पहला एंगल बनाया 120, ठीक है, उसके बाद आपने बनाया 125, फिर आपने बनाया 130, फिर आप बना रहे 135। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि एक एक एंगल आपको 180 आ जाएगा। आप देख लो आपको एक एंगल 180 भी आ रहा है। अब आप सोचो कि क्या दो साइड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाओगे तो वो फिर बंद होगा क्या? क्या ये पॉसिबल है कि एक एंगल 180 डिग्री हो जाए? आप ऐसा कोई भी पॉलीगन सोचो भाई, आपने कोई पॉलीगन बनाया और उसमें एक एंगल 180 डिग्री हो जाए, इज इट पॉसिबल? कैसे भी, क्या ये पॉसिबल है कि एक एंगल 180 डिग्री हो जाए भाई? 179 भी चल जाएगा, बट 180 कैसे चलेगा? और अगर 180 हो गया, जस्ट जस्ट ये सोचो, अगर 180 हो गया, हाँ 7 पे हो जाएगा। अगर 180 हो गया बच्चों, अगर 180 हो गया तो फिर साइड 16 नहीं रहेंगी, फिर साइड 15 हो जाएंगी। भाई मान लो कोई बच्चा ये कह रहा है सर मान लो यहाँ पे 180 है, वो साइड काउंट नहीं होने की, फिर साइड 15 रह जाएंगी, तो लफड़ा हो जाएगा ना, फिर आप उसे 16 साइड नहीं मान पाओगे, उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, वो 16 साइड नहीं होंगे, वो 15 साइड हो जाएंगी। भाई कोई ये कहने लगे कि भाई ये दो साइड है, इनके बीच में 180 डिग्री एंगल है,
क्या आप इसे अलग अलग साइड मानोगे? अलग अलग साइड मानोगे आप इसे या एक ही साइड मानी जाएगी? ऐसे तो कोई कहने लगे बहुत सारी साइड है ये तो, ठीक है? तो 180 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं है, इसलिए अदरवाइज हमें 180 से बड़े, अगर ये ना होता तो एक्सेप्टेबल था भाई। मान लो, अगर मान लो किसी के एंगल होते 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185 और 195, मैं आपको बता दूं दुनिया में आपको यही सिखाया जाएगा 180 से बड़ा एंगल पॉसिबल नहीं है इसलिए नहीं होगा। नहीं, रीजन ये है कि इनमें एक 180 आ रहा है इसलिए दिक्कत है, 180 से दिक्कत हुई है हमको। हमें रिफ्लेक्स एंगल से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्योंकि बच्चों हम तो इसे भी पॉलीगन मानते हैं, हम तो इसे भी पॉलीगन मानते हैं, हम तो इसे भी पॉलीगन मानते हैं। लो, ये भी तो पॉलीगन है भाई। देखो सीबीएसई में सीबीएसई के हिसाब बनाते हैं, टैटू बन गया। आप देखो ये एंगल आपका एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये देख लो ये 180 से बड़ा है, ये भी 180 से बड़ा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से बड़ा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है। ई का बना दिए बेटा, पॉलीगन बना दिए, पॉलीगन बना दिए, वो भी कॉनकेव पॉलीगन। अच्छा आप जरा देखो, एक चीज और समझो बच्चों, एक चीज और समझो। प्लेटिपस पैरी, अरे मुझे पता ही नहीं क्या होता है प्लेटिस बस पैरी, क्या क्या बताते रहते हो तुम लोग। मेरी एक बात सुनो बच्चों, इसके एंगल्स का सम कितना होगा? बताओ इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा? और ध्यान रखना इसमें 180 से बड़ा एंगल भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सोचो बच्चों सोचो, क्या इसे दो ट्राइंगल में ब्रेक नहीं कर सकते? मेथड वही है, n-2 × 180, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। यस 360 आएगा, एग्जैक्टली 360 ही आएगा। अनंत मैसेज पढ़ रहा हूँ बेटा, लेकिन तुमने लिखा क्या 360 को? बहुत सारों ने 360 लिख दिया था बेटा, सबने 360 लिख दिया, क्या ही पढ़ता है उसका। ठीक है, आपको शाबाशी है, जिन्होंने भी 360 लिखा है सबको शाबाशी। बच्चे नाराज हो जाते हैं, नाम ना बोलू तो। वो इतना बड़ा मैसेज लिखेंगे आपका, अब मैं मैसेज नहीं करूंगा, अब मैं नहीं लिखूंगा, मेरा मैसेज नहीं पढ़े, मुझे शाबाशी नहीं मिल रही। अरे भाई इतने सारे मैसेज आते हैं, लाइन लगी रहती है, अगर मैं मैसेज पढ़ूंगा ना क्वेश्चन नहीं हो पाते फिर। बट हाँ ठीक है, बढ़िया सोचा आपने, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन का, ये लॉग दे रखा है। और फिर ये भी कह देते हैं मैं गुस्सा हूँ। हाँ भाई गुस्सा भी हो जाते हो आप। ये देखो ये 4 है, फिर आपके पास 12 है, फिर 36 है, फिर 108 है, और चलते जा रही है एंड टर्म्स तक की बात। ठीक है, क्या हम इसे सर लॉग भी है? लॉग है, लॉग को तो ले ही लेंगे हम बेटा। लॉग तो अपना बंदा है, लॉग तो हमारी हेल्प ही करेगा, हमें पता है ये बात। तो ये हो गया 4,
फिर ये हो गया 4 into 3, फिर ये हो गया 4 into 3 into 3, है ना। उसके बाद क्या आएगा? ऐसे आएगा। अब ये देखो, फर्स्ट टर्म में पावर्स आएगी बिल्कुल, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4, फिर 4 into 3 की पावर 1, फिर 4 into 3 की पावर 2, फिर आएगा 4 into 3 की पावर 3, और एनएच में क्या होने वाला है, 4 into 3 की पावर n-1। ऐसे ही होगा भाई, क्या बताओ, ये ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बताओ बच्चों, ऐसे ही होगा। अच्छा, ये 4 कितनी बार आएगा, 4 तो n टाइम्स आ जाएगा, और 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट में n-1। मान लो ये a है। ओके 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 अनंत, ओके भाई, अनंत की बात जरूर माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। अनंत नाराज हो गया था अभी कि मेरा नाम नहीं बोलते आप। ठीक है, अब लॉग ले लो दोनों साइड का, n-1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे काम कर मत देना वरना बेकाबू हो जाएगा फिर ये, जो पैटर्न होता है ना उसे चलने दिया करो। तो यहाँ पे आ गया लॉग 4 की पावर n, ठीक है, into 3 की पावर, इनको ap से प्लस करो, तो नंबर ऑफ टर्म्स है n-1 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास है लॉग 4 रेस्ट पावर n, लॉग 3 रेस्ट पावर 1 से 1 गया, n n-1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा n log 4, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और यहां पर आ गया n n-1/2 log 3, आ गया, ये आ गया 2 log 2n log 2। हाँ जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही क्वेश्चन में भाई, क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? क्वेश्चन कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं करा चुका भाई, ये क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे। इसके ना करने के पीछे कारण यह है कि आपको साइन की सीरीज का सम नहीं पता, तो ये दोनों क्वेश्चन नहीं होंगे अभी आपसे, ये नहीं हो पाएगा अभी। क्वेश्चन नोट करना है तो कर लो आप, या स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, आपको अटेंड करना चाहिए क्वेश्चन। देखो, तो एक एपी के फर्स्ट टर्म दे रखी है, 1 दे रखा है, अगली टर्म क्या होगी, 1+d आ जाएगी, उससे अगली क्या होगी, 1+2d आएगी, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। नाइन्थ टर्म क्या होगी, नाइन्थ टर्म होगी 1+8d, और इन सब का सम जो है वो 369 दे रखा है, तो इन सब का सम करोगे क्या आएगा, 9+d, 1, 2, 3 से लेकर 8, ये दे रखा है आपको 369। तो यहां से आपका डी निकल जाएगा, इनको प्लस करो कितना आएगा, 8 9/2, ठीक है, ये हो गया 360। काटो, 9 से काटते, ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई 10, डी आ गया 10, ए की वैल्यू 1 दे रखे। अब सुनते हैं, फर्स्ट एंड नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी कंसाइड विद फर्स्ट एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी। भाई वाह, मतलब एपी की फर्स्ट और नाइन्थ टर्म जीपी की भी फर्स्ट और नाइन्थ टर्म है। अब देखो, एपी के फर्स्ट और नाइन्थ टर्म क्या है, निकालो, 81 आ रही है, ये जीपी की भी है, ये जीपी की भी टर्म है।
अगर ये जीपी के टर्म है तो ये होगा ए आर एट और ये होगा ए। अब आप देखो ए आर एट आपका 81 के इक्वल है, तो आर की पावर 8 कितना हो गया, 81 ही हो गया। ठीक है, तो आर की पावर 4, देखो यहां से आर की पावर 4 प्लस माइनस 9 आ रहा है। अब आर की पावर 4 माइनस 9 तो हो नहीं सकता, तो 9 होएगा। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस 3, माइनस 3 तो स्क्वायर हो नहीं सकता, तो आर स्क्वायर हो गया 3 और आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3। सेवन्थ टर्म निकालनी है। अब बताओ जीपी की सेवन टर्म क्या होती है, ए आर 6 होती है। ये हो गया √3 की पावर 6 करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा 27। ओहो हाँ, क्वेश्चन बढ़िया था। पावर कैसे सॉल्व हुआ बता रहा हूँ, नहीं आ गया, नहीं आया मिश्रा, वेरी गुड बेटा, एन माइनस वन से वन कैंसिल, ठीक है ठीक है। पावर कैसे सॉल्व हुआ, आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। और बताओ किसी को दिक्कत हो तो, क्वेश्चन सही लगा कि नहीं लगा भाई? ये क्वेश्चन सीबीएसई के लायक है वैसे, क्योंकि इसमें क्या है क्वेश्चन अपने आप मूव करता गया। बड़ा क्वेश्चन था ना, लैंग्वेज ज्यादा दे रखी थी तो ये आराम से होता चला जा रहा था। 81 कहां से है, ओके भाई एपी की नाइन्थ टर्म निकालो हर्षित, एपी के नाइन्थ टर्म, जीपी की भी नाइन्थ टर्म है। अब एपी के नाइन्थ टर्म क्या होगी, 1+8d होगी, 1+8 × d आ गया बेटा। ठीक है, देखो चार नंबर है, पहले तीन जीपी में, लास्ट के तीन एपी में। कैसे बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा भाई, पहले तीन नंबर एक जीपी में, बाद के तीन एपी में है, कॉमन डिस्टेंस 6 है, पहला चौथा सेम है, बताओ चारों नंबर निकालो, क्या मजेदार चीज है। देखो भाई पहला नंबर है, मान लो मेरा अल्फा, तो लास्ट वाला भी अल्फा ही होगा, बताओ भाई पहला चौथा सेम है। ठीक है, और एपी के हिसाब से सोचते हैं, एपी के हिसाब से कॉमन डिफरेंस 6 है। ठीक है, अब लेफ्ट में चलोगे तो -6 होता जाएगा, एग्री भाई? चार नंबर ही आ गए आपके या नहीं आए बताओ सर, पहली बात कैसे आई? मैं दोबारा से बताता हूँ, हटाओ आराम से पढ़ते हैं पहले, आराम से चार नंबर की बात करनी है, ओके। पहले तीन जीपी पे है, इस पे बाद में काम करेंगे, लास्ट के तीन एपी पे है, इस पे काम करेंगे अभी, कॉमन डिफरेंस 6 है। सबसे पहले हमने सबसे बार वाली बात पे काम करा, फर्स्ट नंबर इज सेम एज फोर्थ, पहला और चौथा सेम कर लिए, पहली बात पहला और चौथा नंबर सेम है, ये बात ओके है। ये दो खाली छोड़े, ये दो खाली छोड़ दिए। अब लास्ट के तीन एपी में, ये लास्ट के तीन एपी में एपी और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो भाई इसे तो ऐसा ही होना पड़ेगा ना, प्लस सिक्स होता जा रहा है, इसमें प्लस सिक्स करा, इसमें प्लस सिक्स करा, ओके है ये बात भाई? ये बात ओके है कि नॉट ओके, जल्दी बताओ, ये बात ओके है, ओके या नहीं है? ओके। अब ये जीपी है भाई, आप देखो पहले तीन जीपी में है, अगर पहले तीन जीपी में है तो क्या बी स्क्वायर ए सी के इक्वल होगा? अगर पहले तीन जीपी में है तो क्या बी स्क्वायर ए सी के इक्वल होगा? होगा, बिल्कुल होगा। भाई अल्फा निकाल लो, अल्फा निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? क्या अब आप अल्फा निकाल पाएंगे? अरे ये तो और भी आसान लग रहा है मुझे, ये चला गया यहाँ पे, एट जा है ना, एट जा ही आ रहा होगा ना, अल्फा 8 आ गया। यस, अब नंबर बताओ क्या हो गए, अल्फा
भाई नंबर देखो क्या हो गए, नंबर नंबर देखते हैं, नंबर हमारे हो गए, पहला हो गया 8, अगला हो गया 8 माइनस 12 मतलब माइनस का 4, फिर और -6 हो, माइनस का 10, फिर हो गया 8। जस्ट चेक आउट, क्या ये तीन एपी में है या नहीं है? भाई देखो क्या ये तीनों एपी में है? और क्या ये तीन जीपी में है? ये गड़बड़ लग रही है या नहीं? ये कुछ गड़बड़ लग रही है ना, मैंने गलत लिख दी शायद, है ना? 8 माइनस 12 लिखा तो सही है, थर्ड टर्म गलत है। ओके अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। अरे दोबारा लिख लेते, क्या दिक्कत आ रही? पहला हो गया 8, फिर आ गया 8 माइनस 12, ठीक है, अब इसमें हुआ प्लस 8। हाँ अब सही है ना, ये है सही भाई, ये जीपी है, ये एपी है, बन गई बात, जीपी एपी बात बन गई। भाई जीपी एपी बात बन गई बच्चों, चलो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लो। हाँ सही कह रहे हो अनंत, कॉमन रेशियो भी आपने सही निकाला। अब मुझे अनंत की सारी बात सुननी पड़ेगी, अनंत अगर कॉमन डिफरेंस भी निकालेगा ना तो मुझे बताना पड़ेगा, नाराज हो जाएगा वरना। अच्छा ए नेगेटिव है बच्चों और ये आपकी एपी है, ठीक है, एपी दे रखी है, ए बी और ए स्क्वायर, और ए नेगेटिव है, ठीक है, और एक जीपी भी दे रखी है। जीपी क्या है? जीपी कहते हैं ए ए स्क्वायर और बी। अरे ये बढ़िया हो रहा है अभी काम, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। भाई आप देखो एपी के हिसाब से 2b किसके इक्वल आएगा? ए प्लस ए स्क्वायर के, और जीपी के हिसाब से ए फोर किसके इक्वल आएगा? ए इंटू बी के। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों पहले ये बताओ, भाई ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यहां से ए कॉमन आया, क्या बचा? ए क्यूब माइनस बी, तो ए की वैल्यू या तो 0 आ रही है या ए क्यूब आपका बी आ रहा है। अब देखो अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, ए नेगेटिव है बी भी नेगेटिव हो गया, 0 तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक, तो बी की जगह क्या लिख सकते हो? ए क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बी की जगह ए क्यूब लिख दिया आपने, ए को कॉमन लेके उड़ा दिया क्योंकि ये 0 नहीं है। थोड़ा जल्दी कर रहा था मैं, रुक गया, फिर एक स्टेप शॉर्ट नहीं करूंगा। फैक्टर कर लोगे यहां से? फैक्टर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब देखो ए की वैल्यू -1/2 ही मानी जाएगी ना, ये तो चलेगी नहीं। ए आ गया आपके पास, ए आ गया, बी आ गया, बी कितना आ जाएगा? -1/8। ए की वैल्यू -1/2, बी की वैल्यू -1/8। बताओ भाई,
हाँ इजी था, अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलती है ऐसे क्वेश्चन से। अब अगला पार्ट भी है ना, कहते हैं इनफाइनाइट जीपी का सम निकालो। भाई इनफाइनाइट जीपी का सम निकालेंगे, जीपी का है, जीपी का है, ये जीपी, ए की वैल्यू कितनी है? -1/2। फिर ए की मल्टीप्लाई हुई, भाई देखो बी कितना है, ए क्यूब है ना, फिर आ गया 1/4, फिर आ गया माइनस का 1/8, चलता जा रहा है। अब आपको इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a/(1 - r), ए की वैल्यू -1/2, आर की वैल्यू 1/2, आंसर आया -1/2, 3/2, तो आ गया -1/3। बी पार्ट, सी पार्ट, s40 निकालो एपी का। भाई एपी का फॉर्मूला क्या होगा? n/2, 2a+40 - 1 × d। ठीक है, अभी ये एपी है, एपी देख रहे हो आप क्या है, ए बी और ए स्क्वायर, ए तो है -1/2, बी है -1/8 और ए स्क्वायर है 1/4। आर -1/2 होगा, हाँ -1/2 होगा बेटा, आर -1/2 ही लगाया हमने। ठीक है, हो जाएगा बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओहो क्या है ये क्या है? बवाल, करना क्या है इसमें, x into y करना है। अच्छा अरे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप इसे देखो, ये हो गया 1/(1 - a), दूसरा ब्रैकेट हो गया 1/(1 - b), ठीक है जी, और ये x के इक्वल है, तो आप ये देखो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1 - b - a और +ab। ठीक, ए और बी आपके रूट है, तो आप ये देखो यहां से सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, c/a। भाई a+b और ये वैल्यू आ गई यहाँ पुट कर, तो क्या आपका x आया कि नहीं आया? भाई मुझे जल्दी से बताओ देख के, क्या आपका x आया कि नहीं आया? मैंने जल्दी कराया, बट मेरे को लग रहा है कि ये जल्दी हो करना चाहिए, ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए इसमें। क्या एक्स की वैल्यू निकाल पा रहे हो आप? बताओ एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू 11/5 आएगी बच्चों। बताओ बताओ बताओ, अरे कैसे सो गए बच्चों, जल्दी बताओ क्या एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी? इजी तो है,
चलिए जी, अब जरा वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू देखो, क्या क्या ये भी एक जीपी है या नहीं है भाई? आप देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसे मानो ये अल्फा है, ठीक है? इसे मानो ये अल्फा है, और इस पावर को अगर मैं आगे ले आऊं, ठीक है, इस पावर को अगर मैं आगे ले आऊं तो ये बीटा है। तो पहला नंबर मेरा अल्फा बीटा प्लस, ठीक है, अल्फा की पावर 0 है ये, ठीक है, ये बीटा। अब अगला नंबर देखो, अल्फा की पावर 1, और फिर आगे आगे इसमें 4 की पावर 1, ठीक है, तो ये हो गया 4 बीटा। फिर उससे अगला अल्फा स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर बीटा, फिर उससे अगला आ गया अल्फा क्यूब, फिर आ गया 4 का क्यूब बीटा। ये देखो, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? भाई बताओगे कुछ या नहीं बताओगे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, मुझे लग रहा है तुम्हारी रुचि इसमें है नहीं ज्यादा, तो आप लोग इसे नोट कर लो, मैंने पूरा हिंट दे दिया है, अभी आपको करना है। लॉग के टर्म्स में आएगा बेटा आंसर, लॉग के टर्म्स में आ सकता है, ठीक है, इतना ही करो आज।